आखिर रूस यूक्रेन के बीच का विवाद क्या है? क्या रूस यूक्रेन पर फॉल्स फ्लैग हमला करेगा? फिर भारत आखिर किसका साथ देगा? द लुक न्यूज चैनल आपको यह सभी जानकारियां देगा। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद के बीच अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की मान्यता दे दी है। पुतिन के इस ऐलान ने रूस पूर्वी यूक्रेन के दो अलग-अलग क्षेत्रों को उनकी स्वतंत्रता की मान्यता दे दी है, जहां रूस स्वघोषित गणराज्य डोनेत्स्क और लुगंस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। 16 फरवरी 2022 की तारीख जब यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का संदेश जताया जा रहा था। अमेरिकी रिपोर्टों के अलावा यूक्रेन भी इसकी आशंका जाहिर कर चुका था कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत डिजिटल तौर पर की है। अमेरिकी रिपोर्टों के अलावा यूक्रेन भी इसकी आशंका जाहिर कर चुका था। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत डिजिटली तौर से की थी। यूक्रेन की ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट को हैक करके इस पूरे मामले में रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब रूस यूक्रेन के बीच का तनाव चरम पर पहुंच गया है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर गोलीबारी करने के आरोप लगाए हैं। इसे युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि गुरुवार को रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन की सेना ने अलगाववादियों के कब्जे वाले डोनबास पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों ने यह माना कि रूस युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहा है। वहीं यूक्रेन से आई अमेरिकी दूतावास की रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने डोनबास के एक स्कूल पर हमला किया। इस इलाके में यूक्रेन की सरकार का नियंत्रण है। ठीक इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने यह कहा था कि हर संकेत बता रहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए तैयार है और इसके लिए रूस अलगाववादियों की मदद से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी चला रहा है। अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। फॉल्स फ्लैग एक ऐसी राजनीतिक या सैन्य कार्यवाही होती है जिसके तहत जानबूझकर अप्रत्यक्ष रूप से कदम उठाए जाते हैं ताकि हमला करने की नौबत आए, तो इसके लिए अपने प्रतिद्वंदियों को दोषी ठहराया जा सके। कई देशों ने इस तरह की रणनीतियां अपनाई हैं। इसके तहत ये देश खुद पर हमला होने का नाटक करते हैं या खुद पर ही वास्तविकता में हमला करवा लेते हैं और फिर आरोप लगाते हैं कि दुश्मनों ने ऐसा किया। इस बहाने से देशों को युद्ध छेड़ने का मौका मिल जाता है, जिसका उदाहरण है 1939 में पोलैंड पर जर्मनी ने जब हमला किया था। अब बात करते हैं कि रूस और यूक्रेन में यदि युद्ध छेड़ा गया तो भारत किसका साथ देगा? बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही मौजूदा हालात में अमेरिका और रूस दोनों ही देश भारत का साथ चाहते हैं, लेकिन भारत ने दोनों देशों से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अब यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि S-400 डील पर अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस से ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। S-400 की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम में होती है। कई मायनों में ये S-400 अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी बेहतर काम करता है। इसके जरिए मिसाइल, फाइटर, एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, यहां तक कि ड्रोन पर भी हमले से बचाव किया जा सकता है। भारत में इसकी पहली डिलीवरी भी आ चुकी है और लेकिन अमेरिका इस पर चुप्पी साधे हुआ है। ये सब कुछ भारत के बढ़ते इंटरनेशनल इमेज का नतीजा है, लेकिन जानकारों के मुताबिक अगर रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, हमला किया, तो इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटजी भी प्रभावित हो सकती है। इसीलिए भारत अभी फिलहाल मौन की नीति अपनाया हुआ है। इस यूक्रेन और रूस के बीच विवाद में हमारे कई भारतीय नागरिक जो वहां कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं या कुछ लोग जो वहां पर रहकर नौकरी कर रहे हैं उनको भारत सरकार की मदद से वापस भारत बुला लिया गया है। और साथ ही जो लोग अभी वहां बचे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं क्योंकि वहां युद्ध की एक आशंका जताई जा रही है, इसलिए उनको भी जल्द से जल्द वापस लाया जाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो से मिली जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दैनिक दलुक न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आपको हर वक्त अपडेट मिलता रहे।